Radio Union, a flavor life. www.radiounion.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड होने वाला है ये बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक अलग तरीके के वर्ड्स के। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आपको पता हो और ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, I will spell it for you, PALINDROME, palindrome। जी हाँ दोस्तों, palindrome ये words हैं और इनकी आज हम बात करेंगे। ये वो words हैं जो left से right भी same होते हैं और right से left भी same होते हैं। तो किस तरीके से ये same होते हैं वो हम जानेंगे इस episode के दौरान। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस learning session की। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी Skype ID है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई एपिसोड मिस भी कर देते हैं या वापस सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे मांग सकते हैं, या फिर हमारा YouTube चैनल रेडियो उड़ान के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं आप वोकैबुलरी डोज के, और वहीं सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे इस शो के और सभी और शोज के भी। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन का। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप सेव करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकंड्स। उफो मम्मा, कहाँ जा रही हूँ? मुझे बहुत सारा वक्त है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 141st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जैसे मैंने बताया, आज हम बात करेंगे वर्ड्स की रिलेटेड टू पैलिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स जिन्हें कहा जाता है पैलिंड्रोम, और ये वर्ड्स तो चलिए जान ही लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिब। बिब, BIB, बिब, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेम स्पेलिंग, BIB, BIB। सो बिब, बिब का मतलब होता है नैपकिन टाइड अंडर द चिन ऑफ अ चाइल्ड वाइल ईटिंग। खाना खाते वक्त जब बच्चे के चिन के नीचे कपड़ा लगाया जाता ताकि खाना गिरे ना, तो उसे हम कहते थे बिब। जैसे यू शुड ऑलवेज कीप अ बिब व्हेन द चाइल्ड इज ईटिंग। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बॉब। बॉब, BOB, बॉब। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, पर लोगों का नाम होता है बॉब, पर यहाँ पे बॉब का मीनिंग हम लेंगे, और बॉब का मीनिंग होता है मूव अप एंड डाउन रिपीटेडली। जब आप बार बार ऊपर नीचे चलते रहें, तो उसे हम कहते हैं बॉब। जैसे आई बॉब्ड फॉर अराउंड 15 मिनट्स, 15 मिनट में ऊपर नीचे चलता रहा, सो बॉब। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज सिविक। सिविक, CIVIC, सिविक। जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट राइट सेम स्पेलिंग, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग, सो वी कॉल इट पैलिंड्रोम वर्ड्स। तो सिविक का मतलब होता है ऑफ, रिलेटिंग और बिलोंगिंग टू अ सिटी। जब कोई चीज सिटी से रिलेटेड हो तो उसे हम कह देते हैं सिविक। जैसे द सिविक सेंटर, या फिर द सिविक प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट टाइम। सो सिविक, सिटी प्रॉब्लम्स, सिटी सेंटर, सिविक। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, पर फिर भी कोई डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डीड। DEED, डीड, DEED, डीड। अगर राइट से लेफ्ट को स्पेल करें तो भी सेम स्पेलिंग है, DEED, डीड, सो इट मेक्स इट पैलिंड्रोम। तो डीड का मतलब होता है, पहले तो एक नॉर्मल जो मीनिंग होता है डीड का, वो होता है कोई भी मूव, कोई भी एक्शन, कोई भी
कुछ भी आप करते हैं तो वो एक डीड है, पर अगर हम इसे लीगल वे में ले तो लीगल वे में इसका फॉर्मल मीनिंग भी है और ये होता है डीड, अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड एंड सील्ड एंड डिलीवर्ड टू इफेक्ट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू शो द लीगल राइट टू पोजेस इट। जब एक डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी इस के नाम पे की जा रही है, तो वो प्रॉपर्टी जब सील्ड होती है डॉक्यूमेंट में और उसे साइन करके किसी के नाम पे कर दिया जाता है, तो उस राइट को, उस अधिकार को हम कह देते हैं डीड। तो चलिए दोस्तों, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही साइंड द डीड। तो दीज आर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। लेट मी टेक अ क्विक रीकैप फॉर योर कन्वीनियंस। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बिब, BIB, बिब, यानी कि पहले तो एक पैलिंड्रोम है BIB एंड मीनिंग है इसका नेपकिन टाइड अंडर द चिन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल ईटिंग। मतलब जो बच्चा खाना खाता है उसके नीचे चिन के कपड़ा लगाया जाता है ताकि कुछ गिर ना ले ऊपर, तो वो होता है बिब, उसे हम बिब कहते हैं। यू शुड ऑलवेज कीप अ बिब व्हेन द चाइल्ड इज ईटिंग। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बॉब, BOB, बॉब, इसका मतलब मैंने बताया था मूव अप एंड डाउन रिपीटेडली। जब आप ऊपर नीचे चलते रहे बार बार तो उसे हम कहते हैं बॉब। जैसे आई बॉब्ड अराउंड 15 मिनट्स, मतलब ऊपर नीचे मैं 15 मिनट ऊपर नीचे ही चलता रहा, सो बॉब्ड। तो द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सिविक, सिविक, CIVIC, सिविक, इसका मतलब मैंने बताया था ऑफ रिलेटिंग और बिलोंगिंग टू अ सिटी, कोई चीज जो सिटी से रिलेटेड हो तो उसे हम कहते हैं सिविक। जैसे द सिविक सेंटर या फिर द सिविक प्रॉब्लम्स ऑफ द करंट ईरा, मतलब सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सिटी सेंटर्स, सो सिविक। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डीड, DEED, डीड, यानी कि मतलब बताया था एक तो नॉर्मल कोई भी एक्शन, कोई भी मूव, कोई भी एक्टिविटी, उसे हम कह सकते हैं डीड, और दूसरा लॉ, लीगल डॉक्यूमेंट को भी हम डीड कहते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप किसी के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं और उस पर साइन हो जाते हैं और वो राइट अधिकार किसी और को दे दिया जाता है, तो वो होता है डीड। जैसे अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड एंड सील्ड एंड डिलीवर्ड टू इफेक्ट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू शो द लीगल राइट टू पोजेस इट, तो उसे हम कहते हैं डीड। जैसे ही साइंड द डीड। तो दोस्तों, दीज आर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। ये सभी वर्ड्स जो हैं वो पैलिंड्रोम हैं, तो ये कैसे लग रहे हैं आपको साथ साथ बता सकते हैं आप, और अगर कोई डाउट है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस लौट के और वर्ड्स की भी बात करनी है। हम सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज एपिसोड 141 विद दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। रात भर जाए ना घर, जाए ना घर,
जाए ना घर, जाए ना घर। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए आपसे सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 141st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और बात चल रही है दोस्तों वर्ड्स की, पैलिंड्रोम वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फिफ्थ वर्ड। तो पांचवा वर्ड इस शाम का है दोस्तों, डट, डट, डी यू डी, डट। लेफ्ट टू राइट सेम स्पेलिंग, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग, तो ये क्या हो गया, डट, DUD, dud, जैसे an explosion that fails to occur, कोई explosion, कोई bomb जो मतलब set किया हो और वो किसी कारण ना फटे, तो उसे हम कहते हैं dud। जैसे he stepped on a dud mine, मतलब एक जो फुस हुआ बम था
उसकी माइन पे उसने पैर रखा तो ही स्टेप्ड ऑन अ डर्ट माइन, मतलब एक फ्यूज बम की जो तार सी थी उस पे पैर रखा. सो डर्ट मीन्स एन एक्सप्लोजन दैट फेल्स टू अकर, कोई बम जो फटा नहीं होता, मतलब जो फटता नहीं है, फेल हो जाता है वो, तो उसे हम कहते हैं डर्ट. कोई डाउट्स है? बिल्कुल पूछ सकते हैं आप. तो चलिए अभी के लिए सिक्स वर्ड जो है शाम का वो है ईव. ईव, ईवीई, ईव. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेम स्पेलिंग ईवीई. सो दैट इज समथिंग मेक्स दिस वर्ड अ पैलिंड्रोम. तो चलिए ईव का मतलब जो होता है वो शायद आप सभी को पता हो और अक्सर हम सुनते हैं ये वर्ड ईव, यानी कि द डे बिफोर, जो एक दिन पहले होता है वो होता है ईव. जैसे ऑन द ईव ऑफ वेडिंग वी वुड हैव अ ग्रेट फंक्शन इन द क्लब, मतलब शादी से एक दिन पहले हम एक बहुत बड़ा फंक्शन रखेंगे क्लब में. सो किसी भी ओकेजन से पिछला दिन जो होता है, पिछली शाम जो होती है, उसे हम कहते हैं ईव, द डे बिफोर. जैसे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस वी आर गोइंग टू द अदर सिटी, सो क्रिसमस से एक दिन पहले. तो चलिए आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज यू. यू, ई डब्ल्यू ई यू. जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड की प्रोनंसिएशन है यू, ई डब्ल्यू ई यू. लेफ्ट टू राइट ई डब्ल्यू ई, राइट टू लेफ्ट ई डब्ल्यू ई यू. यू तो इसका मतलब होता है दोस्तों शीप, आप सभी जानते हैं क्या होती है, राइट? तो शीप में जो फीमेल शीप होती है उसे हम कहते हैं यू, ई डब्ल्यू ई यू. अक्सर शीप को हम कहते हैं, पर जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को, तो फीमेल शीप को हम कहते हैं यू, ई डब्ल्यू ई यू. कोई डाउट है? बिल्कुल पूछ सकते हैं. तो चलिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज गैग. गैग, गैग, जी ए जी, गैग. सेम स्पेलिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड इट मेक्स इट अ पैलिंड्रोम. और गैग का मतलब होता है दोस्तों रिस्ट्रेंट पुट इन टू अ पर्सन्स माउथ टू प्रिवेंट स्पीकिंग और शाउटिंग, मतलब किसी के मुंह में कुछ ठूसा होता है, जब घुसाया होता है ताकि वो बोल ना सके, बात ना कर सके, चीख ना सके, तो वो होता है गैग. जैसे द थीफ गैग्ड द कपल एंड स्नैच्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, मतलब जो थीफ था उसने घर में घुस के जो दोनों जो कपल था उनके मुंह में ठूस दिया सामान, कपड़ा या कागज या पट्टी, ताकि वो बोल ना सके, चीख ना सके, और सब कुछ चोरी करके चला गया. सो द थीफ गैग्ड द कपल एंड स्नैच्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स. तो चलिए दोज ऑफ यू हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्नैच्ड, स्नैच्ड का मतलब होता है छीन लेना. तो चलिए अभी के लिए वर्ड की बात चल रही है गैग, और गैग का मतलब होता है मुंह में कुछ ठूस देना या कुछ ऐसा लगा देना जिसकी वजह से आप बोल ना पाए, चीख ना पाए, तो वो होता है गैग. तो चलिए द नाइन्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेल. नाइन्थ वर्ड जो है शाम का वो है गिग. गिग, जी आई जी, गिग. जी हाँ दोस्तों, गिग का मतलब पहले तो एक पैलिंड्रोम है, लेफ्ट टू राइट जी आई जी, राइट टू लेफ्ट जी आई जी. तो चलिए दोस्तों, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. तो चलिए द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डट. डट, डी यू डी, डट, यानी कि ये होता है एन एक्सप्लोजन दैट फेल्स टू अकर, मतलब एक कोई बम ब्लास्ट जो होते होते रह जाए, तो वो होता है डर्ट, डी यू डी, डर्ट. जैसे ही स्टेप्ड ऑन अ डर्ट माइन, मतलब एक बम जो फ्यूज हो चुका था, फटने से बच गया, उसके ऊपर उसने पैर रख दिया, सो डर्ट. तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ईव. ईव, ईवीई, ईव. इसका मतलब मैंने बताया था द डे बिफोर, कोई दिन से पिछला दिन जो होता है उसे हम कहते हैं ईव. जैसे ऑन द ईव ऑफ वेडिंग वी वुड हैव अ ग्रेट फंक्शन इन द क्लब, मतलब शादी की पिछली शाम हम एक बड़ा फंक्शन करेंगे क्लब में, सो ईव, ईवीई, ईव. तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज यू, ई डब्ल्यू ई यू. जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग ई डब्ल्यू ई है, पर इसकी प्रोनंसिएशन यू है, ई डब्ल्यू ई यू. आप सभी ने सुना है शीप, राइट? जो शीप होती है उसका जो फीमेल होती है
उसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली यू, EWE यू। अक्सर हम शीप कहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, पर अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो फीमेल को कहते हैं हम यू, EWE यू। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज गैग, GAG गैग, यानी कि रिस्ट्रेंट पुट इनटू अ पर्सन्स माउथ टू प्रिवेंट स्पीकिंग और शाउटिंग। मतलब किसी के मुंह में कुछ ठूस दिया जाए, डाल दिया जाए, ताकि वो बोल ना सके, शाउट ना कर सके, तो उसे हम कहते हैं गैग, GAG गैग। जैसे द थीफ गैग्ड द कपल एंड स्नैच्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। मतलब कपल को बांध के उनके मुंह में ठूस दिया ताकि वो बोल ना सके, चीख ना सके, और चोरी करके सब भाग गया। सो गैग, GAG गैग। तो दोस्तों, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 141st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और लौटती हूँ बिल्कुल ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद दिव्या शर्मा। रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहां, जाए जब तक तुझे एहसास है, जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है ये प्यास है। क्यों रोकना तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहां। बेसब्रियां सभी
नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0226683837। You are listening Radio Union, a flavor of life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 141st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पैलिंड्रोम वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, पैलिंड्रोम वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिनमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग होते हैं। तो चलिए, जो नौवा वर्ड है इस शाम का वो है गिग, गिग, जी आई जी, गिग, लेफ्ट टू राइट जी आई जी, राइट टू लेफ्ट जी आई जी, सो गिग। तो गिग हो गया एक पैलिंड्रोम और इसका मतलब होता है लॉन्ग एंड लाइट रोइंग बोट, मतलब एक लंबी और हल्की सी बोट जिसमें लोग सवार होके लोग जाते हैं, या फिर अक्सर ये एडवेंचर के लिए होता है कि तेजी से कोई रेसिंग के लिए, स्पेशली फॉर रेसिंग, रेस लगाने के लिए तेजी से आप जा सके। लाइट बोट होती है, बहुत हल्की बोट होती है, लॉन्ग होती है पर हल्की होती है, तो उसे हम कहते हैं गिग। जैसे अ लाइट फास्ट नैरो बोट अडेप्टेड फॉर रोइंग और सेलिंग, मतलब नदी पार करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रेसिंग में भी यूज होती है। तो ये बहुत ही हल्का वेट होता है और ये काफी लंबी होती है, तो इसे हम कह देते हैं गिग, जी आई जी, गिग। तो चलिए, द टेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कुक, कुक, के डबल ओ के, कुक, के डबल ओ के, कुक। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि कुक सी डबल ओ के कुक होता है जो खाना बनाता है, पर यहां हम उस कुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं कुक की, के डबल ओ के कुक। कुक मतलब समवन रिगार्डेड एज सेंट्रिक और क्रेजी एंड स्टैंडिंग आउट फ्रॉम अ ग्रुप, मतलब कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ही अजीब हो, अलग हो, अनयूजुअल हो, अगर 10 लोग खड़े हैं तो उनमें एक वो अलग लगे, अजीब सा लगे, क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी, तो उसे हम कह सकते हैं कुक, के डबल ओ के कुक। जैसे आई थॉट हिज फ्रेंड वॉज अ कुक, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसका जो दोस्त था वो बिल्कुल कुक था, मतलब बहुत ज्यादा अजीब, स्ट्रेंज, क्रेजी, अनयूजुअल, लोगों से अलग, तो कुक, के डबल ओ के कुक। तो चलिए, द इलेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज लेवल, लेवल, आई एम श्योर आप सभी ने ये वर्ड सुना हुआ है, लेवल, एल ई वी ई एल, लेवल, लेफ्ट टू राइट एल ई वी ई एल, राइट टू लेफ्ट एल ई वी ई एल, लेवल, यानी कि जैसे होता नहीं पोजीशन होती है, जैसे कि अ रिलेटेड पोजीशन और डिग्री ऑफ वैल्यू इन अ ग्रेडेड ग्रुप, मतलब किस लेवल पे, जैसे आई एम ऑन द थर्ड लेवल ऑफ दिस गेम एंड यू, मतलब जैसे गेम में 10 लेवल है और मैं तीसरे लेवल पे पहुंच गया हूँ और तुम कौन से लेवल पे हो, या फिर आई हैव डन 3 लेवल्स ऑफ दिस एग्जाम एंड 2 आर येट टू कम, मतलब 5 में से 3 लेवल मैंने क्लियर कर लिए। सो लेवल यानी कि जो उसके पढ़ाव होते हैं कह सकते हैं, तो लेवल। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, वैसे तो काफी कॉमन वर्ड है तो आपको पता ही होगा, तो ये मेन बात यह है कि लेवल इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैम या फिर मैडम। जी हाँ, बोथ मैम एंड मैडम आर पैलिंड्रोम, एम ए एम, मैम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग, एंड मैडम, एम ए डी ए एम, मैडम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग, तो इन्हें हम कह देते हैं पैलिंड्रोम। और हम सभी जानते हैं मैम और मैडम क्या होता है, राइट, अ वुमन ऑफ रिफाइनमेंट, मतलब कोई लेडी जो आपको सिखाती है कुछ, या फिर कुछ भी आपको टीच करती है, तो उसे हम कह सकते हैं मैडम, मैम। सो ये हो गया एक पैलिंड्रोम। जैसे द ड्राइवर ओपन द बैक डोर ऑफ द कार फॉर मैडम। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए 4 वर्ड्स थर्ड सेगमेंट के, जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। The ninth word for the evening was gig,
GIG गिग यानी कि लॉन्ग एंड लाइट रोइंग बोट, एक लंबी सी बोट जो बहुत पतली होती है, उसका वेट भी बहुत हल्का होता है, तो उसे हम कहते हैं गिग। जैसे स्पेशली फॉर रेसिंग, रेस में ये यूज होती है क्योंकि हल्की होती है तो बहुत तेज जाती है, तो गिग। जैसे अ लाइट फास्ट नैरो बोट यूज फॉर रोइंग एंड सेलिंग। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कोक, कोक, KOOK, कोक। कोक मतलब समवन रिगार्डेड एज सेंट्रिक और क्रेजी एंड स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द ग्रुप। कोई व्यक्ति जो अलग, अजीब, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, क्रेजी लगे, तो उसे हम कह सकते हैं कुक, KOOK, कुक। जैसे आई थॉट हिज फ्रेंड वॉज अ कुक, मतलब बहुत ही अजीब था, स्ट्रेंज था, क्रेजी था। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज लेवल, LEVEL, लेवल, यानी कि पहले तो एक पैलिंड्रोम हुआ, आपको पता है क्यों हुआ, और दूसरी बात लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग है इसलिए हुआ, एंड दूसरी बात लेवल हम सभी को शायद पता है, लेवल का मतलब होता है पढ़ाव, जैसे अ रिलेटिव पोजीशन और डिग्री ऑफ वैल्यू इन अ ग्रेडेड ग्रुप। जैसे आई एम ऑन द 3rd लेवल ऑफ दिस गेम एंड यू। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज मैम एंड मैडम। जी हाँ, मैम और मैडम दोनों ही वर्ड पैलिंड्रोम है, MAM मैम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग, देन देयर कम्स मैडम, MADAM, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेलिंग। सो मैम, मैडम, ये होती है कोई भी लेडी जो आपको सिखाती है, बहुत रिफाइंड होती है, या फिर कोई ऊंचे ऊंचे मतलब पद पे हो तो उसे हम कह देते हैं मैम या मैडम। जैसे द ड्राइवर ओपन द बैक डोर ऑफ द कार फॉर मैडम। तो दोस्तों, these were the 4 words for the 3rd segment of this episode. Let me take a quick break and I'll be right back. Sun rahe hain 141st episode of Vocabulary Dose. Baat chal rahi hai palindrome words ki. Stay tuned, I'll be right back. सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तो आसमान में आ मिल
जिंदगी से ये जिंदगानी महरूम है जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं चाहे तो रहना तू बेखबर मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर सफर खूबसूरत है मंजिल से भी Radio U, a fight in life. www.radioun.com मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ. स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है. मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है. मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था. मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान. मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ. यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है. आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org. धन्यवाद. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 141st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पैलिंड्रोम वर्ड्स. जी हाँ दोस्तों, पैलिंड्रोम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं, सेम स्पेलिंग होते हैं. तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज नैन. नैन, जी हाँ, ये ब्रिटिश इंग्लिश में नैन कहा जाता है. इंग्लैंड वगैरह में नैन कहा जाता है. किसे कहा जाता है? ग्रैंड मदर को. जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड मदर को नैन कहा जाता है इन ब्रिटिश इंग्लिश. सो नैन, N-A-N, नैन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेम स्पेलिंग. सो नैन, जैसे योर ग्रैंड मदर. वैसे तो ये बहुत सिंपल वर्ड है, पर बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि नैन ग्रैंड मदर को कहते हैं. दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस वर्ड. अदरवाइज काफी और इजी वर्ड्स भी हैं, जैसे मॉम, मैम, मॉम, डैड, तो मम, तो ये भी सारे पैलिंड्रोम्स हैं. सो यहाँ पे नैन, नैन इज कॉल्ड ग्रैंड मदर. जैसे आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन विद माई नैन, N-A-N, नैन, यानी कि माई ग्रैंड मदर. तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पैप. पैप, P-A-P, पैप. जी हाँ दोस्तों, पैप का जो मतलब होता है वो होता है अ डाइट दैट डज नॉट रिक्वायर च्यूइंग, एडवाइज्ड फॉर दोज विद इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स. तो दोस्तों, जिन लोगों को चबाने में मुश्किल आती है या फिर जिन्हें कोई इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्हें ये डाइट दी जाती है डॉक्टर द्वारा. और ये एक ऐसी डाइट है जिसमें चबाने की चीजें नहीं होती, लिक्विड्स होते हैं या पतली चीजें होती हैं जो अच्छे से खाई जा सके, डाइजेस्ट की जा सके. सो बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं. तो वो होता है पैप, अ डाइट दैट डज नॉट रिक्वायर च्यूइंग. तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए कदम बढ़ाते हैं 15th वर्ड की तरफ.
The 15th word for the evening is peep, P-E-E-P, peep, peep. यानी कि पहले तो एक पैलिंड्रोम है, P-E-E-P, peep, right to left, P-E-E-P, peep. तो peep का मतलब होता है look secretly. किसी चीज को आप छुप के secretly देख रहे हैं तो वो होता है peep. जैसे he peeped at the women through the window. मतलब एक लेडी खड़ी थी घर के अंदर तो उसने विंडो से छुप के देख रहा था उसे. So he peeped at the women through the window. तो चलिए the 16th and the last word for the evening is pep. Pep. P-E-P. Pep. जी हाँ दोस्तों, ये बेहद खूबसूरत वर्ड है pep. P-E-P. Peep. P-E-P. Pep. यानी कि liveliness and energy. कोई चीज बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो, बहुत ज्यादा energetic हो, जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह हो तो वो होता है pep. जैसे this medicine is granted to give you more pep. मतलब more liveliness, more energy. तो जैसे तुम ये medicine लोगे तुम और ज्यादा lively हो जाओगे और बहुत ज्यादा energetic हो जाओगे. So this medicine is granted to give you more pep. या फिर जैसे the event was pep. मतलब जो इवेंट था बहुत ही ज्यादा पेप था, बहुत एनर्जेटिक था, बहुत लाइवलीनेस थी, तो पेप. तो दोस्तों दीज आर द फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर कन्वीनियंस. तो दोस्तों 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नैन, एन ए एन, नैन, नैन, एन ए एन, नैन. यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं नैन ग्रैंड मदर को. So your grandmother, your nan. जैसे I was sitting in the garden with my nan. मतलब I was sitting in the garden with my grandmother, my nan. तो चलिए दोस्तों, the 14th word for the evening was pep. P-A-P, pep. Pep. P-A-P, pep. यानी कि a diet that does not require chewing. Advice for the patients or people with intestinal disorders. मतलब अक्सर ये वो डाइट होती है जिसमें वो ज्यादा ऐसी चीजें नहीं होती खाने पीने की जो च्यू करनी पड़े. सिंपल, हल्की, पतली, लिक्विड चीजें होती हैं ताकि वो अच्छे से हजम हो जाए. तो वो होता है पेप. पेप यानी कि एनीथिंग दैट डज नॉट रिक्वायर थिंग्स दैट हैव टू बी च्यूड. तो चले द 15th एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज पीप. P-E-E-P, पीप. यानी कि छुप के देखना, तो उसे हम कह देते हैं पीप. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेम स्पेलिंग है peep. जैसे look secretly, he peeped at the woman through the window. मतलब घर की विंडो से छुप के लेडी को देख रहा था. सो पीप, छुप के देखना. ये पैलिंड्रोम है P-E-E-P, राइट टू लेफ्ट, P-E-E-P. तो चले 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज pep. P-E-P, pep. यानी कि liveliness एंड एनर्जी. कोई चीज जो बहुत खुशहाल हो, बहुत एनर्जी हो, उत्साह हो, जुनून हो उसमें, तो वो होता है pep. जैसे This medicine is guaranteed to give you more pep. मतलब ये medicine खाने के बाद तुम और energetic हो जाओगे और lively हो जाओगे. या फिर the event last night was pep. मतलब जो कल शाम को event था जो हमने attend किया वो full of मस्ती था, धमाल था, liveliness थी, energy थी. So it was pep. P-E-P, pep. तो चलिए दोस्तों, these were the four words for the fourth segment of this 141st episode of Vocabulary Dose. तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं और मैं लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में. अभी भी बात करना बाकी है तो बने रहिए. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद दिव्या शर्मा. मैं रहूं तेरा गुरूर हूं.
फासला मिटा तू ख्वाब सा मिला क्यों ख्वाब तोड़ दू सबसे है अनबन बनते क्यों ये खुदा मेरे ये जो लोग बाग है जंगल की आग है आग में जलूं ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में इन जैसा क्यों बनूं
NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, मी बांग्ला आवाज पाया। नमस्कार, नेनु तेलुगु स्वरं गीतनु। वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी। नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ। हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 141st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और आज हमने 16 ऐसे वर्ड्स की बात की है जिन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोम। जी हाँ, पैलिंड्रोम वो वर्ड्स हैं जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम स्पेल करते हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और अगर और वर्ड्स की बात करनी है हमने, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी। पर अभी के लिए समय समाप्त होता है आज के एपिसोड का, तो मुझे लेनी होगी इजाजत। पर अगर आपके पास है कोई आइडियाज, व्यूज, फीडबैक, सजेशंस या कोई भी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं, डाउट्स हैं, क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी फेसबुक पे जो हमारा पेज है वो URL है www.facebook.com/radiouran। रेडियो उड़ान की ऑफिशियल वेबसाइट है www.radiouran.com। साथ ही आप हमें ट्विटर हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो उड़ान है। और स्काइप आईडी भी हमारा है RADIUUDAAN। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radiouran.com। साथ ही दोस्तों, आप अपने फीडबैक हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी दे सकते हैं, वहाँ एपिसोड सुन सकते हैं, वहाँ व्यूज शेयर कर सकते हैं। जो हमारा चैनल है वो है रेडियो उड़ान, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, वहाँ सभी आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे इस शो के। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मुझसे यानी कि दिव्या शर्मा से जुड़ना चाहते हैं, मेरा स्काइप आईडी है Divya31S DIVYA31S। साथ ही मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। तो ये पैलिंड्रोम वर्ड्स बिल्कुल याद रखिएगा, और भी वर्ड्स की हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स। तुमको भी है खबर, मुझको भी
है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा के देखा बहला के देखा दिल है के चैन इसको आता नहीं आंसू है के अंगारे आग है अब आंखों से बहना कभी कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना जा रही है दर्द का मौसम बदला नहीं रंग ये गम का इतना है गहरा सदियों भी होगा हल्का नहीं कौन जाने क्या होना है
क्या क्या सहना कभी अलविदा कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना तुमको भी है खबर मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे कभी अलविदा ना कहना